गुड मॉर्निंग गाइस, माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं भाई? होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैंने शेविंग वगैरह कराई है, मुझे जो हल्की करा दी। और आज है संडे, क्यों बच्चे तो गए हुए हैं घूमने अपनी नानी घर। और आज है संडे, संडे पे बनाया है आज मम्मी ने टमाटर आलू, अभी दिखाता हूँ। बनाई है टमाटर आलू और बथुआ की कचौड़ी बनाई है। और मम्मी बैठी हुई हैं, पापा नाश्ता कर गए हैं। अब नाश्ता पानी करने के बाद फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर बताते हैं। नाश्ता पानी करके मैं हो गया रेडी, अब निकलता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बिसरपुर। बिसरपुर में हल्दी मिर्च धनिया पिसाने जा रहा हूँ, वहीं पिसाता हूँ वहाँ, क्यों हैंडपंप दे देते हैं पिसने के लिए। दिखाते हैं आपको मशीन आज, हल्दी मिर्च धनिया की मशीन। अब मैं तैयार हूँ, बाइक मेरी तैयार है, गुड्डू भाई आ गए हैं, अब निकलते हैं। कुछ ही देर में मैं दूसरे को पहुँचने वाला हूँ, रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ। अभी रास्ते में चल रहा हूँ, कुछ ही क्षण में मैं बिसरपुर में प्रवेश करने वाला हूँ। एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था यहाँ से कितना पानी बहता है, कितनी तेज धार आती थी। आज देखिए सूखी पड़ी है बेचारी नहर, बहुत सूखी नहर पड़ी हुई है। देखिए दूर दूर तक पानी नहीं है इसमें, देखिए उधर भी सूखी पड़ी है। सब खाई सूखी पड़ी, देखिए इधर भी सूखी पड़ी है बहुत। देखिए दूर दूर तक पानी है ही नहीं, पानी ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया पानी, ऊपर से छूटा नहीं है पहाड़ों से। ठीक है, लोग कितनी तेज तेज बाइक लेके जा रहे हैं, बस यहाँ ताजा ताजा खबर है। बिसरपुर का रास्ता ये है, अब निकलते हैं बिसरपुर। फाइनली बिसरपुर पहुँच गया हूँ और यहाँ पे हल्दी मिर्च बनाने आया हूँ। ये है बिसरपुर का मजा, यहाँ मैं बनाने आता हूँ हल्दी मिर्च, और यहाँ पिस रही है हल्दी मिर्च। ये है चक्की अंदर लगी हुई, दिखाता हूँ पास में जाकर। फाइनली सब मसाला वसाला पिसा के मैं निकल आया हूँ बिसरपुर से। देखिए पीछे बिसरपुर का रास्ता है और निकल आया हूँ। फिलहाल में मैं मशीन वाले की वीडियो जब बना रहा था तो मशीन वाला बेचारा घबरा गया था, तो मैंने वीडियो वहाँ नहीं बनाई। और अब मैं फैज पर पहुँचूंगा तब आप बात करूँगा। अभी रास्ते में थोड़ी बहुत देखता हूँ, बनाता हूँ, निकलाता हूँ, बस यहाँ ट्रैफिक भी है, पहुँचता हूँ फैजपुर। ये फरीदपुर का रास्ता सीधा, और अभी मैं फरीदपुर के रास्ते में ही हूँ, बिसरपुर की हद में ही हूँ, और निकलता हूँ, पहुँचता हूँ फरीदपुर, तब आप बात करता हूँ। रास्ते पहुँच चुका हूँ, अब रास्ता यहाँ पे गड़बड़ है, और आधे रास्ते पे पहुँच चुका हूँ और आधा रास्ता गड़बड़ है यहाँ पे। ये रास्ता टूटा हुआ है, आगे रास्ता सही है और इधर भी रास्ता टूटा हुआ है। अब पहुँचते हैं घर, फिर बात करते हैं आप लोग। अभी रास्ते में ही हूँ। Thank you.
गया ढकनी पुल। ये हमारे यहाँ ढकनी पुल है, नदी है, बैगुल नदी है, बैगुल नदी। देखिए यहाँ पानी रहता है, वहाँ गंदगी बहुत रहती है, दूर दूर तक है। इधर भी है और इधर भी है। थोड़ी देर में फरीदपुर पहुँचने वाले हैं। फाइनली घर पहुँच गया। लॉक खोला ना। मम्मी पापा दोनों दुकान पर बैठे हुए हैं। तो वो मम्मी बैठे हुए हैं, पापा बैठे हुए हैं। अब सामान सब वो ले आए, साबुन दे गए थे। अब हेलमेट निकालता हूँ, फिर बात करता हूँ। हेलमेट निकाल लिया, अब चलते हैं अंदर। आ गए अंदर। ये हेलमेट पहुंचा दें ठिकाने पे। ये अबे यार गिरना दियो। ये पहुंच गया हेलमेट, यहाँ पहुंच गया ऊपर, गिरना जा। और बस आज हल्दी मिर्च बिछाने गए थे, वो दिखाया, मशीन दिखाई थी, मशीन वाला बहुत घबरा गया था बेचारा। वो सोच रहा था कि ये वीडियो डालना, कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा था, यानी कि कुछ जरूर गड़बड़ कर रहा था, वो गया डर, इसलिए मैंने वीडियो वहां पे ज्यादा नहीं बनाई। पिसा हुआ धनिया, मिर्च, हल्दी। शाम हो चुकी है और शाम तो मुझे हो गई थी, और क्योंकि दिन नहीं मिला था, अब तो दिन भी मिल गया है। मैं मार्केट गया था, थोड़ा मार्केट सामान लेने गया था। मम्मी कर रही है पूजा, पूजा कर रही है मम्मी। तबीयत खराब है, आज इसे दवाई देंगे और चलते हैं बाहर। अंधेरा हो चुका है, पापा बैठे हैं दुकान पे। मम्मी बना रही है बाजरे की रोटी। ये देखिए ऐसे सेक रही है मम्मी बाजरे की रोटी। अभी बची हुई थोड़ी थोड़ी इंगीठी पे सेकेंगे। साग है ही, सरसों का साग, मिक्स साग, मिक्स साग बनाया था मम्मी ने। मिक्स साग है ही, मिक्स साग बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और बाजरे की रोटी देखिए सिक गई है। अब मम्मी ने बना ली बाजरे की रोटी, अब थोड़ी देर में खाएंगे खाना, उसके बाद बात करते हैं। अब खाने जाते हैं खाना, और मम्मी खा रही हैं, पापा खा चुके हैं। मम्मी खा रही हैं हीटर से तापते हुए, और ये खा चुके हैं पापा। अब खाते हैं बाजरे की रोटी, चने का साग और मेथी का साग। खाना खाते हैं फिर बात। मम्मी फोन देखने में मस्त है, पापा इधर लेटे हुए हैं। बोटी की तबीयत खराब, बोटी बहुत खराब तबीयत है, हालत गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। और कुछ नहीं, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि आज बिसरपुर गया था आटे, वही गेहूं, वो हल्दी मिर्च पिसाने। और कुछ नहीं, बस इस ब्लॉग का यहीं एंड। अगर ब्लॉग अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। 2000 years later.